ओके देन, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज द कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट से अलग होता है ये हमें बताना है इस वीडियो में। वीडियो में हमें ये पता चलेगा, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट reveals the changes in the cash balance between two points of time and the factors responsible for such change. So, cash flow statement से हमें ये पता चलता है कि cash flow जो है, जो cash का amount है, वो दो time पे कितना कितना था, साल के अंत में और साल के शुरू में कितना उनका जो है जो cash की जो value थी वो कितनी थी। Suppose 1 crore starting में था, end में 50 crore 50 lakhs बचे हैं, इसका मतलब 50 lakhs का जो है इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें पहला बात तो ये पता चल जाता है कि बैलेंस कितना था। दूसरा हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे यू नो टू पॉइंट्स ऑफ द टाइम एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चीज, जो चेंजेस हुए हैं, जो 50 लाख रुपए जो हो गए, 1 करोड़ से 50 लाख जो हो गए, वो किस लिए हुए हैं। राइट, हमें पता चलता है कि हमने हमने जो है 25 लाख किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है, बाकी का 25 लाख किसी और एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है, डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमें कैश फ्लो में ये सारी चीजें जो है पता चलती हैं। Cash flow statement explains the reason for presence of very low cash balance in spite of huge operating profits or presence of higher cash balance in spite of low or a low level of profits. ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात बोलने की कोशिश की गई वो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने के कारण भी अगर हमारे पास कैश फ्लो आई मीन कैश का जो बैलेंस है अगर वो कम है तो क्यों है। डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, आप उन पैसों को कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके कारण से आपके पास जो कैश है वो कम पड़ा हुआ है, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है बट स्टिल कम पड़ा हुआ है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो वो रीजन हमें कैश फ्लो जब हम तैयार करेंगे, जब स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो फिर हमको पता चलता है। एक और उसका वाइस वर्सा केस बताया गया है कि सपोज आपके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, आपके पास कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो रहा है, उसका मतलब यह है कि जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं वो बैंक में सिर्फ जमा ही है, आइडल पड़े हुए, आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज व्हाई यू आर हैविंग अबंडेंट कैश इन योर अकाउंट बट यू आर नॉट यूजिंग इट, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को वो बड़ा बढ़ करके शो करेगा, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये सारी चीजें पता चल रही है। अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे फंड फ्लो की अगर बात करें तो फंड फ्लो ठीक इसका उल्टा होगा, कैश फ्लो उसके बारे में लाइक यहाँ पे नहीं लिखा गया, बट कैश फ्लो में जो चीजें हमें पता चल रही हैं उसका उल्टा जो है फंड फ्लो में होगा, मतलब हमें फंड फ्लो से वो सारी चीजें पता नहीं चलेगी, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि फंड का इस्तेमाल किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। कैश बैलेंस हमें पता नहीं चल पाएगा किसी भी केस में कि आपके पास कैश कितना बचा हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट के केसेस में, ठीक है। अ प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर एसर्टेनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश टू मीट वेरियस आउटफ्लोज, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टेड जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो आपको ये बताता है कि इन फ्यूचर जा करके आपको कितने कैश की आवश्यकता पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसों को लगाने के लिए, ठीक है ना। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी इस बात का पता हमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, कैश एंड फ्लो। कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश मीन्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक with cash equivalents are short-term highly liquid investment that are readily convertible into cash. So near their maturity they present insignificant risk of changes in value. ठीक है, तो यहाँ पे completely cash का जो definition है वो आपको बता दिया कि cash का मतलब क्या होता है। तो cash का मतलब यहाँ पे cash या फिर cash equivalent है। अब equivalent का मतलब हो गया कि suppose आपके पास inventory में कुछ सामान पड़े हुए हैं, वो अगर आप उनको बेच दोगे तो तुरंत आपको उस चीज के बदले cash मिल जाएगा, या फिर आपके पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है या फिर चेक्स पड़े हुए हैं, उन चेक्स को जैसे ही आप यू नो बैंक में लेकर के जाओगे तो उसके बदले आपको कैश मिल जाएगा। तो कैश का मतलब कैश हो गया प्लस इक्विवेलेंट्स हो गए, कैश के वैल्यू के बराबर जो चीजें आपके पास होंगी उसको भी हम लोग एज ए कैश ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कैश मीन्स कैश इन हैंड जो आपके हाथ में है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, है ना। वो सारे डिमांड डिपॉजिट्स जो आपने बैंक में लाइक एक तरीके से आप दोगे तो आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। वाइल कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड सो नियर देयर मैच्योरिटी एट देयर प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स यू नो जो क्या कहेंगे उसको, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना,
चेक्स हो गया, डिसऑनर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें चेक्स हो जाता है, प्रॉमिसरी नोट आपने पढ़ा होगा, प्रॉमिसरी नोट हो गया, और भी बहुत तरह की चीजें आ जाएंगी, कमर्शियल पेपर मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें जो है ना एक टाइम के बाद में जो है मैच्योर हो जाती है और वो पैसे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे उस तरह की चीजों को कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताया जा रहा है कि कैश इक्विवेलेंट में वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट को कितनी कैश की आवश्यकता पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंस आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देखो एग्जाम्पल नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंस आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती है समटाइम्स, हमें हमारे पास वो बॉन्ड्स होते हैं, जब वो बॉन्ड्स मैच्योर कर जाते हैं तो हम गवर्नमेंट को उसको वापस कर देते हैं और गवर्नमेंट उसके बदले हमें पैसे दे देती है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसके जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक तरीके से आदान प्रदान होता है। ट्रेजरी बिल्स भी वही हो गया, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट कहलाएंगी, विच आर मेच्योरिंग विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि तकरीबन आपने जब उसको एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, उसके 3 महीने के भीतर जो है वो तकरीबन मेच्योर कर जाता है। फ्लो मीन्स चेंज और मूवमेंट, फ्लो का मतलब हो गया चेंज या फिर मूवमेंट, आपका जो पैसा है वो किधर से किधर को जा रहा है, ठीक है ना, आपका मूवमेंट कैसा है पैसे का वो यहाँ पे बताया जा रहा है। लिटरली कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपको कैश और कैश इक्विवेलेंस के जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1 करोड़ आपके पास है, अभी 50 लाख रुपए बचे हैं, तो ये जो चेंजेस हुआ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ आपने इन्वेस्ट करा, वो सारी की सारी चीजें जो है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखने को पता चलती है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कैश ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, एक तरीके से पढ़ने में ऐसा लग रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि स्टेटमेंट जो है वो हमें ये दिखाता है कि हमारा इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, पैसा कहीं से तो आएगा फिर कहीं को जाएगा, पैसा आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से, तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को शो करता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब सपोज 1 साल का हो गया या 6 महीने का हो गया, जो भी पीरियड आप मेंशन करोगे उस पीरियड के अकॉर्डिंग जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जनरली 1 साल का होता है, फाइनेंशियल ईयर पूरा हम चेक करते हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 महीने का 6 महीने का भी बनाया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम वेयर द कैश हैज बीन जनरेटेड एंड यूजेस फॉर व्हिच कैश हैज बीन यूज्ड एंड दस द रिजल्टेंट चेंज इन द कैश बैलेंस ओवर द पीरियड। ठीक है, तो उसी बात को वापस से है पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो आई होप कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, और फंड फ्लो से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये ठीक इसका उल्टा होगा, जो भी चीजें आप कैश फ्लो में लिख रहे हो फंड फ्लो में आपको उल्टा लिखना है उसका। ठीक है, क्योंकि वहां से हमें कैश फ्लो के बारे में पता नहीं चलता, वहां से हमें फंड के बारे में पता चलता है कि फंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। ओके देन, सो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, ये है हमारा अगला टॉपिक, टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला है फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला प्रोसीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एसर्टेन। सबसे पहले आप ये पता करते हो कि कैश का आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था और क्लोजिंग बैलेंस क्या था। कैश मीन्स कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड सो दे आर नियर मैच्योरिटी दैट दे प्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द चेंजेस इन द वैल्यू। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वही बात है यहाँ पे फिर से बोली गई है। कैश का डिमांड, कैश का जो मीनिंग है वो बताया गया है कि कैश हम किसे बोलेंगे। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स के एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है कि सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें जो है जो कि 3 महीने में एक तरीके से मैच्योर कर जाती है जब भी आप एक्वायर करते हो, इन सब चीजों का बैलेंस मिला करके आपको चेक करना होता है कि आपके कैश का स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था और एंड में बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये सबसे पहला आपका काम होता है, ये सबसे पहला प्रोसीजर होता है जब आप कैश फ्लो तैयार करते हो, तो ये सबसे पहला प्रोसीजर होगा कि आपको दोनों की बैलेंस पता रखनी होगी। दूसरा है The various activities are classified as under according to AS3 while preparing cash flow statement. अब AS3 क्या है? AS3 होता है accounting standard 3. ठीक है ना? Accounting standard. इंडिया में जब हम accounting करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ principles हैं, कुछ कुछ rules हैं जिसको follow करना होता है। तो वो rules कहाँ लिखे हुए हैं? वो rules accounting standard में लिखे हुए हैं। Accounting standard में बोला गया है कि आपको depreciation fixed asset के ऊपर चढ़ाना है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है कि जब आप एक बिजनेस मेंटेन कर रहे हो तो वहां पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि AS3 जो कि रिवाइज है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैश फ्लो तैयार करते हो। उसमें तीन एक्टिविटीज होती हैं, पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन सारी एक्टिविटीज को आप रेडी करते हो और लिखते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को मेंटेन कर, आई मीन उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, इसको आपने तैयार कर लिया। प्रोसीजर में तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अब कैश फ्लो जो है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला, वो कहाँ से आ रहा है? जो आपका प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे जहाँ से आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, वहां से आपके पास एक कैश आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर अ शुगर मिल, फॉर अ शुगर मिल द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर टू परचेज शुगर केन एंड अदर इनपुट्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, सेल ऑफ शुगर एंड बाई प्रोडक्ट्स। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। शुगर मिल अगर आपका बिजनेस है, अगर आप शुगर से रिलेटेड बिजनेस करते हो, शुगर मिल अगर आपका है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल जो आपका यू नो जो आपका खर्च होगा, जो प्रिंसिपल आपका इनकम होगा, जो मेन इनकम होगा, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा जब आप शुगर केन खरीदोगे तो आपका खर्च हो जाएगा, है ना। फिर वहां पर बहुत सारे इनपुट्स भी आपको खरीदने पड़ते हैं, साथ में पेमेंट आपको करना पड़ता है वेजेस एंड सैलरीज का। आपको फिर शुगर जो आपने तैयार करा है उसको आपने बेचना होता है, राइट। फिर उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उसको भी जब आप सेल करते हो तो आपके पास कैश फ्लो, कैश आता है। तो कैश फ्लो में आप ये सारी की सारी चीजें जो है आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड और यूज बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो नेट कैश फ्लो है वो आपको पता चलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के बाद। ये जो हम लोगों ने अभी बताया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, कि हम लोगों ने शुगर मिल में सबसे पहले तो शुगर केन को खरीदा, फिर डिफरेंट इनपुट जो अलग अलग चीजें हैं उसको भी खरीदी, पेमेंट किया, तो इन सबको आप कैलकुलेट करोगे, तब जाकर के आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो बात बोली जा रही है, इस कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट भी तैयार किया जाता है बिजनेस का पोजीशन को देखने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ रिसोर्सेज दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लो। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है या रिटर्न में कुछ आपको मिलता है। वो जो पैसा आपको मिल रहा है वो भी एक तरीके का कैश फ्लो है, वो भी पैसा आपके पास आ रहा है, आपके बिजनेस के पास आ रहा है, राइट। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आपने रिसोर्सेज को खरीदा या फिर रिसोर्सेज को बेचा, तो उस केस में आपके पास कैश जो है आएगा या फिर तो आपके पास से कैश जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के को यहाँ पे बोला यार। रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा? रिसोर्सेज का मतलब हो गया स्रोत जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को रन करते हो। तो वो एक समय के लिए नहीं होता, वो लंबे समय के लिए होता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर यू। सो वेन एवर यू बाय एनी फिक्स्ड एसेट तो उसकी यूटिलिटी होती है, उसका रिटर्न आपको मिलता है। आप जब एसेट्स पढ़ोगे तो उसमें देखना इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा, जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो फिर आपको वहां से रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की जा रही है, बट ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी कि जो भी आप रिसोर्सेस खरीद रहे हो वहां से आपको पैसे आए, आपने उसको बेचा वहां से आपको पैसे आए। तो ये कैश फ्लो में ये सारी की सारी चीजें भी आपको जो है रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स के बारे में बोला गया, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप लैंड खरीद रहे हो या फिर प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म में जो है आपको यहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्टिव बेनिफिट्स यहाँ पे मिलता है, और एक तरीके का वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ही करते हो, ठीक है। हम उसे कहते हैं बिजनेस है, बट एट द क्या बोले इनिशियल स्टेज में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले जब आप बिजनेस करोगे उसके साथ जब आप बिजनेस करोगे तो फिर आपको पैसा रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहां से भी जो है पैसा आपको वापस मिलता है, और उसका रिकॉर्ड आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब यहाँ पे आपने फाइनेंस कर दिया, ठीक है ना, आपने प्रोवाइड करा किसी को कंपनी को लोन प्रोवाइड करा जिसको आवश्यकता है। फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसे देना, किसी को पैसे देना, उसको जरूरत है, आपने उसको पैसे दिया और आपने बोला कि मुझे इतना परसेंट इंटरेस्ट जो है चार्ज में मैं लूंगा, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग फंड्स बोथ कैपिटल एंड लोन्स टू द कंपनी, ठीक है। आप एज ए कैपिटल भी दे सकते हो, एज ए लोन भी दे सकते हो।
लोन दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल दोगे तो आपको प्रॉफिट में आपका शेयर मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को लगा रहे हो, बट इन पैसों का इस्तेमाल जो है आप कंपनी को देने के लिए करते हो, अपनी कंपनी भी हो सकती है समटाइम्स, या दूसरी कोई कंपनी भी हो सकती है जहां पे आप अपने कैश को इन्वेस्ट करोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द सुटेबल फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है होता है एक सुटेबल फॉर्मेट में इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये जब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करोगे तो इस टेक्निक को आपको फॉलो करना है, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने अभी करा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट से डिफर है। हालांकि फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, बट जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपको इसका ऑपोजिट फंड फ्लो में लिखना है और उसको उसी तरीके से तैयार करना होगा। साथ ही साथ टेक्निक जो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको तैयार करने का, वो प्रोसीजर भी आपको मेंशन करना है अगर आपसे पूछा जाए तो। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे सकता है। 20 मार्क्स का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन और भी बड़ा होगा, 10+10 का होगा वो, तो ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू। रिद्धि मैंने एक और पीडीएफ भेजा था ग्रुप में, आपने पढ़ा था उसको? यस हाँ हाँ सर पढ़ा था मैंने, कल ही तो आपने भेजा है। हाँ हाँ उसमें कोई इशू था क्या? नहीं सर, वो तो बहुत छोटा सा था, वो व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स। हाँ वो 5 मार्क्स में आ सकता है, 15+5 का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने उसको डाल दिया था। हाँ वो छोटा सा था तो पढ़ लिया था मैंने कल ही। ठीक है सर, तो अभी तो मैंने एक ही पीडीएफ तैयार करा था, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग अगला बाकी सारा कर लेंगे, नहीं थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है तो मैं ज्यादा करना नहीं चाह रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आई थिंक मैंने कर दिया है। पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मैंने कल का यही देखा है। अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं वहां पे कर देता हूँ, और जो वीडियो बनेगी वो भी मैं नहीं तो शेयर कर दूंगा। ओके ओके ठीक है, देन मिलते हैं अगले क्लास, ठीक है सर, ठीक है सर, बाय।